हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सर। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपेयर नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में सियासी बैठ क्वेश्चन के बारे में गाइज कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे जिन बातों का पता नहीं है। गाइज काफी फ्रेंड्स का कमेंट आता है कि सर इसमें टाइपिंग टेस्ट कौन से कीबोर्ड पर होगा। काफी बड़ा सवाल है कि टाइपिंग टेस्ट अब कौन से कीबोर्ड पर होगा, टाइपिंग में बैक स्पेस होता या नहीं होता। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है गाइज जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वहाँ पे बैक स्पेस होगा या फिर नहीं होगा, हो गया तो फिर कैसे टाइपिंग से होगी मेरे क्लियर, अगर बैक स्पेस नहीं हुआ तो कैसे क्या होगा। तो हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। और काफी स्टूडेंट का कमेंट ये भी आता है सर रिटर्न टेस्ट का एडमिट कार्ड कब तक हमारे जारी हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये मैं आपके सभी सवालों का जवाब अभी आज वीडियो में देने के लिए आया हूँ। तो गाइज आपको वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं जैसे मैं ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स ये हम एक बार नीचे कर लेते हैं स्लाइड इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सियासी बेस्ट कॉन्स्टेबल, इसमें दोस्तों अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें आपकी टोटल वैकेंसीज 429 है, 429 टोटल पोस्ट है इसमें आपकी, ठीक है। किसी स्टूडेंट का कमेंट आता सर इसमें वैकेंसीज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए गाइज अभी कुछ पता नहीं है इसका, वैकेंसीज बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, लेकिन अगर आपकी वैकेंसी भविष्य में बढ़ती है तो उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना ले इस बात की, ओके। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कीबोर्ड, फिर स्टूडेंट का कमेंट आता है सर इसमें टाइपिंग टेस्ट कीबोर्ड हमारे पास डेल का है, एचपी का है, और हम किस कीबोर्ड पे टाइपिंग करें जो कि बेस्ट रहे हमारे लिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ, वहाँ पे सीआरपीएफ लगा लो या फिर सीआरपीएफ लगा लो, ठीक है, सीआरएसएफ या सीआरपीएफ, ज़्यादातर कीबोर्ड आपको कौन से मिलेंगे वहाँ पे, जो बिल्कुल सॉफ्ट कीबोर्ड वाले होंगे, सॉफ्ट की वाले होंगे। सॉफ्ट समझते हो ना, बिल्कुल ये मान लो कि आप उंगली रख दो बिल्कुल लाइन से चली जाए, पूरी लंबी लाइन लग जाए, ऐसे कीबोर्ड मिलेंगे आपको वहाँ पे। वहाँ पे क्वालिफाई वही स्टूडेंट होते हैं गाइज जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, जो अपना दिमाग शांत करके टाइपिंग करते हैं, ये नहीं बस हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, समझ रहे हो ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है वहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, आपको क्या करना है, आपको सॉफ्ट कीबोर्ड लेके आना है। स्टूडेंट सोच रहे हो कि सॉफ्ट कीबोर्ड सर कौन सा होता है, कई ओके डाउट से भी होते हैं, चलो आपको ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे आइए फिर यहाँ पे देखिए QHMPL, एक कीबोर्ड होता है गाइज QHMPL का होता है, एक डेल का होता है। ज्यादातर आप मान के चलो 99% केस बता रहा हूँ आपको मैं गाइस, 99% बता रहा हूँ आपको मैं, ये QHMPL का आपको कीबोर्ड मिलेगा वहाँ पे सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल में, जब की टाइपिंग होगी गाइस वहाँ पे आपको टाइपिंग कौन सी मिलेगा टेस्ट के लिए, वहाँ पे आपको कौन सा कीबोर्ड मिलेगा, QHMPL का 99% मिलेगा गाइज, ठीक है। और फ्रेंड्स डेल का 1% हो सकता है आपको डेल का भी मिल जाए, लेकिन 99% आप मान के चलो गाइज आपको यही कीबोर्ड मिलने वाला है QHMPL, क्योंकि गाइज की सॉफ्ट की बहुत अच्छी होती है और ये सस्ता भी बहुत आता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये नहीं कि आपको बहुत महंगे महंगे कीबोर्ड देंगे, नहीं, उनको कोई वहाँ पे अपने सेंटर की शो नहीं करवानी, उनको बस आपसे कीबोर्ड आपको देंगे, आपसे टाइपिंग लेनी है उन्हें बस, ठीक है, और कुछ काम नहीं है उन्हें। आपको बिल्कुल सस्ता कीबोर्ड मिलेगा, एकदम QHMPL का बिल्कुल नया कीबोर्ड मिलेगा, और ये मान लो कि बस बिल्कुल सॉफ्ट की होंगी उसकी, ध्यान दीजिएगा सॉफ्ट की होंगी। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल धड़ाधड़ टाइपिंग करते हैं, उनका कोई काम नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट क्लियर कर पाएंगे टाइपिंग जो अपना मन शांत करके बैठेंगे, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करेंगे, वही स्टूडेंट पास होंगे टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। ये डाउट था आपको क्लियर कर दिया मैंने। और कई स्टूडेंट सोचेंगे सर वो कीबोर्ड कौन सा होता है QHMPL का और डेल का कौन सा कीबोर्ड होता है, कई एक डाउट ये भी होते हैं, तो मैं आपको गाइस पिक दिखा देता हूँ, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स नीचे आइए, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए QHMPL ऐसे कीबोर्ड होता है, इसको आप फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजन पे मंगवा सकते हो घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100-150 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, क्या सुना, 100-150 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा बिल्कुल भी नहीं आता है, आपको फ्लिपकार्ट अमेजन से मंगवा लेना है, ठीक है। ये आप कीबोर्ड ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ये इसकी सेफ बनी हुई है यहाँ पे, आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। वायर में होता है ये, या फिर आप वैसे भी लेना चाहो बिना वायर का भी आपको मिल जाएगा आराम से। ये QHMPL का कीबोर्ड है, 99% केसेज में आपको ये कीबोर्ड मिलेगा सीआईएसएफ सेंटर में, जहाँ पे आपकी टाइपिंग होगी रिटन टेस्ट के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और टाइपिंग स्पीड आपके पता ही होगा 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए आपके इंग्लिश में, ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए हिंदी में, आपको पता ही होगा, बात बताने की भी नहीं है, ठीक है। और फ्रेंड्स बात आती है डेल के बारे में, डेल का कीबोर्ड कौन सा होता है, तो गाइस देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए आप डीए कीबोर्ड डेल का है आपका, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट की होती है इसकी। सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट वाला जो है वही कीबोर्ड लेके आए QHMPL का, उससे टाइपिंग करें, बेस्ट है आपके लिए, लेकिन मानिएगा मेरा, मैं टाइपिंग मैंने भी दी है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। सो प्लीज गाइज आप प्लीज इस बात को इग्नोर ना कीजिएगा, QHMPL का कीबोर्ड लेके आइएगा। अगर आपके घर में ये डेल का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन
99% केसेस में आपको वही कीबोर्ड मिलेगा QHMPL का। अब वो 100-150 रुपये का ज़्यादा महंगा नहीं आता, सस्ता आता है, मंगवा लीजिएगा, टाइपिंग कीजिएगा आराम से, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड आपकी पेज से होगी, पेज समझ रहे हो ना, कि एक पेज होता है, वो पेज दिया जाएगा आपको, वो आपको वहाँ पे टाइप करना है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए टाइपिंग बैक स्पेस। कई स्टूडेंट का कमेंट आता है सर इसमें बैक स्पेस होगा या नहीं होगा, मेरी टाइपिंग स्पीड है जो बैक स्पेस के बिना है या फिर मेरी टाइपिंग स्पीड है जो बैक स्पेस के साथ है। देखिए क्या, जब आपकी टाइपिंग स्पीड बैक स्पेस के साथ हो या फिर ना हो, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सियासी वालों को, जो भी वहाँ पे ऑफिसर है उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बस आपसे टाइपिंग लेनी है। ध्यान दीजिएगा क्या कहना, टाइपिंग बैक स्पेस। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसमें आपका टाइपिंग स्पेस बैक स्पेस बिल्कुल नहीं होता है। क्या सुना आपने, आपका टाइपिंग बैक स्पेस नहीं होता वहां पे, आपका कीबोर्ड में बैक स्पेस होगा, बटन तो होगा बट काम नहीं करेगा। क्या सुना, बटन होगा बट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये बात आपका डाउट था, मैंने क्लियर कर दिया है, वहां पे आपका टाइपिंग में बैक स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि टाइपिंग बैक स्पेस होगा, हम आराम से टाइपिंग निकाल लेंगे। भाई देखिए, रिटन टेस्ट बहुत पास करेंगे, ज्यादातर टाइपिंग में रहेंगे, ठीक है। और जिन मेरे फ्रेंड्स की टाइपिंग अच्छी नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा स्पेशल टाइपिंग के ऊपर। स्पेशल टाइपिंग के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, जिसको देख के आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे भी, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो प्लीज मुझे कॉमेंट कीजिएगा, और नीचे प्लीज जय हिंद जरूर लिखा करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नीचे आइए, भी फ्रेंड्स का कॉमेंट आता सर रिटन टेस्ट के एडमिट कार्ड कब आएंगे। फ्रेंड्स आपके जल्दी आने वाले हैं, ठीक है। वो मान लो कम से कम जून के लास्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड 100% श्योर आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्या सुना, रिटर्न टेस्ट के जो एडमिट कार्ड गाइज आपके जून के लास्ट वीक में आ जाएंगे, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से अपनी तैयारी करनी है गाइज, ठीक है, रिटर्न टेस्ट की। और जिन मेरे फ्रेंड्स की टाइपिंग स्पीड नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब पक्का दूंगा, ठीक है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड। और कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी है, देखिए मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, वैसे इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने अपनी टाइपिंग की वीडियो डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो दोस्तों इतना ही था दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि जो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड थैंक यू सो मच।